पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को धूल चटाने वाले भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन पाक की गिरफ्त से रिहा होकर भारत आ गए हैं। पाकिस्तान के रेंजर्स ने अटारी वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को बीएसएफ को सौंप दिया। अभिनंदन के घर वापसी पर जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं बिलारी में एक परिवार ने अपने बच्चे का नाम अभिनंदन रखा है और वह उसे वायुसेना में भेजकर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपना बच्चे का नाम रोशन रखना चाह रहे हैं, वो देखो क्या बोलते हैं, अभिनंदन देश के रिहाई में। जैसे कि अभिनंदन जी आज रिहा किए गए हैं, उसके उसके आधार पर अपने बच्चे का भी नाम अभिनंदन रखना चाह रहे हैं। अभिनंदन रखना चाह रहे हैं। गरीब बेशक हैं, मगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो आपकी क्या तमन्ना रहेगी बच्चों के भविष्य के लिए? अरे साहब, जो है फौज में भर्ती करने की, गरीब बेशक हैं, जमीन मजदूरी करेंगे, पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। देश के ऊपर अभी पे आए भाई हैं अभिनंदन, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा लड़का भी देश के ऊपर, हम भी रखना चाहते हैं और पढ़ा लिखा है कि गरीब बाकी में पढ़ा लिखा है कि हम भी भेजना चाहते हैं देश। कहाँ के भेजना चाहते हैं आप? फौज को भेजना चाहते हैं। अच्छा, कब पैदा हुआ था आपके बच्चे यहाँ? 6 बजे। कब? आज ही हुआ। अच्छा, कौन सा गाँव पड़ता है अपना? तुड़खेरा पड़ता है। कौन से ब्लॉक में? बिलोक। अच्छा, तो आप कौन लगती है बच्चे की? दादी। आया आज बेबी जो कहता है कि मैं भी अपने लड़के का ऐसे करूँगा कि जो आज उनकी रिहाई हुई है, वे आए हैं, तो उसका भी नाम मैं भी अपने लड़के का जय रखूँगा। अभिनंदन नाम रखना चाहते हैं? अच्छा, जैसे आज अभिनंदन जी आज रिहा हुए हैं, उसके विषय में कुछ? खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि राम रोशन हो रहा है देश के ऊपर हमारा। और बहुत गरीब परिवार से पैदा हुआ है, गाँव का चौकीदार है, बहुत गरीबी है वो, उनके लड़का पैदा हुआ है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अभी सूचना मिली है कि मैं गांव में पहुँचा, उन्होंने सोचा कि हमारे गांव का जो है चौकीदार है ही, और वहाँ पर मैं पहुँचा तो वहाँ ये पता चला कि मुझे जाके कि वो अपने लड़के का नाम अभिनंदन रखना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा जाके, मैं भाई अभिनंदन क्यों रखना चाहते हो? कि हमारे ही देश का सिपाही, हमारे देश का फौजी, और पाकिस्तान में जाके इतना बड़ा नाम रोशन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं रोशन कर सकते हैं? हम अपने लड़का का नाम अभिनंदन रखेंगे, हम कोई नाम रखना दूसरा नहीं चाहते हैं। मैं भाई ठीक है, रखो, आप खुशी से रख सकते हो, अच्छी बात है, आप देश का नाम रोशन करना चाहते हो, एक गरीब परिवार से इससे कोई मतलब नहीं है, आप कमा सकते हो, खा सकते हो, मजदूरी करके पढ़ा सकते हो। उन्होंने कही हम पढ़ा सकते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे देश का आज बहुत गौरव हुआ है और हम कोई नाम रखना नहीं चाहते हैं, हम अपने लड़का नाम अभिनंदन रखना चाहते हैं, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, हम ग्राम पंचायत से अपने से और हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस काम के लिए, और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं कि हमारे गांव की ग्राम पंचायत में ऐसा तो कोई व्यक्ति पैदा हुआ जो अपने लड़का नाम अभिनंदन रख सकता है, ये बहुत हमें बहुत आज हार्दिक खुशी है, इसके लिए हम बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप तो उनके भविष्य के विषय में, बच्चे के विषय में क्या आपको जैसे आने वाले समय में? जी, मैं मदद देना चाहता हूँ, जो मुझसे हो सकती है, जो हमारी सरकार कर सकती है, वास्तव में इनके घर पर छपर पड़ा है, मैं इनके लिए आवास भी देना चाहता हूँ, इनके लिए जो मुझसे हो सकता है वो करना चाहता हूँ, सरकार में मदद दे तो इनके सब कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक शुभकामना है, सरकार में मदद दे तो सब कुछ करना चाहता हूँ। जय जाबाज सिपाही, उस पर हम क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत खुशी की बात है और ये हमारी सरकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धि, सफलता उपलब्धि है कि हमारी सरकार इस अच्छे कदम उठा रही है, और हम भी अगर हमें मौका मिला तो हम भी खुद सिपाही बन जाएंगे उस देश के लिए।